हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। सबसे पहले अगर हम इस एक्ट की बात करें तो एक कन्वेंशन आया था यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करा 13th डेक 2006 को, और इस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। सो ये कन्वेंशन बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के एम्पावरमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो वो है कि डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और उनको फ्रीडम टू मेक देयर ओन चॉइसेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, फिर रेस्पेक्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, देन रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटीज। फिर जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन की, और उसने इस कन्वेंशन को रेटिफाई करा है ऑन 1st of October 2007। सो बेसिकली इसमें हमें याद रखना है कि कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि यूएन ने अडॉप्ट करा 13th डेक 2006 को, और फिर इंडिया उसका सिग्नेटरी है और उसने इस कन्वेंशन को रेटिफाई करा ऑन 1 अक्टूबर 2007। 1982 से लेके 1992 का जो टाइम पीरियड है उसको यूएन ने डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स बोला, और मतलब उन्होंने कोशिश करी कि वो राइट्स के लिए ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी काम कर सके। सो पहले जो हमारे पास इंडिया में एक्ट था वो था पर्संस विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, जो कि रिपील हो गया बाय दिस वेरी एक्ट, द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो कि एक्ट नंबर 49 है 2016 का। इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली है 27 डेक दिसंबर 2016 को। सो इसमें बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर्स हैं 17। तो 17 इसमें टोटल चैप्टर्स हैं और 102 इसमें सेक्शंस हैं, और इसके अंदर एक शेड्यूल है। ये बेसिकली इसकी स्कीम है। हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ने हैं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ यूपी पीसीएसजी। सो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है। जो हमारा सेक्शन 1 है वो कहता है, ये शॉर्ट टाइटल बताता है इस एक्ट को और कमेंसमेंट बताता है। कमेंसमेंट है 19 अप्रैल 2017, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेक्शन 2, सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट वी विल बी रीडिंग ओनली सम ऑफ द डेफिनेशंस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले 2C, 2C है बैरियर। बैरियर मतलब कोई भी फैक्टर, कम्युनिकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल, एटीट्यूडनल या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो कि हैम्पर कर रहे हैं द फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन सोसाइटी। मतलब कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि जो भी पर्सन है जिसको डिसेबिलिटीज है उसकी ग्रोथ को, उसकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन को हैम्पर कर रहे हैं, वो सारे बैरियर में आ जाएंगे। 2D इज केयर गिवर, मतलब इसके अंदर आते हैं पेरेंट्स, कोई भी फैमिली मेंबर्स जो विद या विदाउट पेमेंट उसको केयर प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें या असिस्टेंस दे रहे हैं विद डिसेबिलिटी। देन 2H विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की। कोई भी ऐसा डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, रिस्ट्रिक्शन डिसेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं जिससे आप उसके रिकॉग्निशन को इम्पेयर कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, वो इक्वल तरीके से रह नहीं पा रहा है, इक्वालिटी नहीं मिल रही है उसको, फंडामेंटल फ्रीडम्स में उसके बैरियर आ रहा है, तो वो सारी चीजें डिस्क्रिमिनेशन में आएंगी। और इसमें अगर आप रीजनेबल अकोमोडेशन का डिनाइल कर रहे हैं तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। 2N हाई सपोर्ट। हाई सपोर्ट मतलब कि इंटेंसिव सपोर्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या कैसे भी, जो भी एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए, दैट इज हाई सपोर्ट।
2M इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कैसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहाँ पे जो पर्सन्स, जो चिल्ड्रन हैं वो चाहे डिसेबल वाले हैं या डिसेबिलिटी विदाउट हैं, वो सब एक साथ पढ़ाई करें, उनका सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग एक तरीके से अडेप्ट हो, ताकि जो लर्निंग नीड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल होने चाहिए। देन 2R पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बेसिकली इसमें वो पर्सन्स विद नॉट लेस देन 40%, 40% की जिनकी स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, वो सारे पर्सन्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आएंगे। और स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हमारा ZC में दे रखा है, और जो डिसेबिलिटी शेड्यूल में दे रखी है वो सब स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करती है। देन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2S, दिस मीन्स एक पर्सन जिसकी लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट है, और वो हिंडर कर रहा है फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको किसी भी तरीके की फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट है, और उसकी वजह से उसका जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में वो हिंडरेंस आ रहा है उसमें। देन कमिंग टू चैप्टर टू, चैप्टर टू बेसिकली बात कर रहा है राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की, जिसमें हमारे सेक्शन 3 से लेके 15 तक हैं। तो सेक्शन 3 बात करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात कर रहा है, तो कोई भी अगर वुमेन और चिल्ड्रन है डिसेबिलिटी के, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल सही से कर सकें एंड इंजॉय कर सकते हैं अपने राइट्स को इक्वली। उनके पास राइट है ऑन एन इक्वल बेसिस कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें। देन कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, हम इन शॉर्ट PWD बोल देंगे उन्हें, जो PWD वाले पर्सन्स हैं उनके पास राइट है कि वो कम्युनिटी में रह सकें। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये स्टेप्स लेगी कि उन्हें ऑब्लाइज ना किया जाए टू लिव इन अ पर्टिकुलर लिविंग अरेंजमेंट, और उन्हें एक्सेस दिया जाए जहां पर भी वो रहना चाहते हैं। सेक्शन 6 प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, तो उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो मेजर्स लेगी उन्हें प्रोटेक्ट करेगी टॉर्चर, क्रूअल, इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से। देन प्रोटेक्शन सेक्शन 7 प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेजर्स लेगी इसके लिए। एंड सेकेंड चीज, इसके अंदर अगर कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको ये रीजन टू बिलीव है कि कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है अब्यूज का, वायलेशन का, ये जो भी, तो वो ये इंफॉर्मेशन देगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी और वो सारे स्टेप्स लेगा। वो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है कि उसकी हेल्प कर रहे, और अगर उसे लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो इस चीज की इंफॉर्मेशन देगा JMFC को या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 8 बात करता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी की। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में सिर्फ इतना ही है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो अप्रोप्रिएट मेजर लेगी कि जब भी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो तो डिसेबिलिटीज के पर्सन को भी इंक्लूड किया जाए। सेक्शन 9 होम एंड फैमिली, तो कोई भी चाइल्ड को जो भी डिसेबल है उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा उसके पेरेंट्स से, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो डिसेबल है। और अगर कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है उसको लगता है कि बेस्ट इंटरेस्ट में चाइल्ड के उसे नहीं रहना चाहिए उसके पेरेंट्स के साथ, या किसी नियर रिलेशन में उसको उसकी कस्टडी दे दी जाएगी, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो किसी कम्युनिटी में, किसी फैमिली सेटिंग में उसे भेज दिया जाएगा, और अगर एक्सेप्शनल केस है तो शेल्टर होम जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रन करती है वहां उसे रखा जाएगा, या फिर NGO में। सेक्शन 10 है हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। कोई भी ऐसा मेडिकल प्रोसीजर नहीं होगा जो लीड करे टू इनफर्टिलिटी विदाउट देयर कंसेंट। देन सेक्शन 11 इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, कि वो इंश्योर करे कि सारे पोलिंग स्टेशंस पे डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स को एक्सेस मिले। सेक्शन 12 एक्सेस टू जस्टिस, तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आपको एक्सेस मिलेगा।
सेक्शन 13 लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी में क्या है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके ऊपर को इक्वल राइट्स मिले, कि उनके पास खुद की प्रॉपर्टी हो, वो इनहेरिट कर सकें प्रॉपर्टी, उनके पास एक्सेस हो बैंक लोन, मॉर्गेज, फाइनेंशियल क्रेडिट से रिलेटेड, वो इंजॉय करें लीगल कैपेसिटी ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स, उन्हें राइट हो टू इक्वल रिकॉग्निशन एवरीवेयर। राइट, देन सेक्शन 14 प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप। तो ये बेसिकली बात करता है लिमिटेड गार्जियन की। इसमें क्या है कि जहां पे भी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या किसी भी अथॉरिटी को जो कि डेजिग्नेटेड है बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये लगता है कि जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी उसको एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट सपोर्ट चाहिए पर वो नहीं ले पा रहा है लीगली बाइंडिंग डिसीजन, तो उसे सपोर्ट दिया जाएगा एक लिमिटेड गार्जियन का। सेक्शन 15 डिजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज टू सपोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट डिजिग्नेट कर सकती है एक या एक से ज्यादा अथॉरिटीज की वो मोबिलाइज करें कम्युनिटी में और सोशल अवेयरनेस फैलाएं। चैप्टर 3 जो कि सेक्शन 16 से 18 तक है और राइट टू एजुकेशन की बात करता है, सीधा सीधा आर्टिकल 21A को प्रमोट करता है। सो सेक्शन 16 ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसके पास राइट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज पूरे कोशिश करेंगी कि सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि फंड कर रहे हैं जिनको वो या रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय देम, वो इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को दें जो डिसेबिलिटीज से सफर कर रहे हैं। राइट, देन 17 स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें क्या है कि वो मेजर्स लेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेजर्स लेगी कि सर्वे करवाए, एवरी 5 ईयर्स में वो सर्वे करवाने की कोशिश करेगी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, ताकि आइडेंटिफाई कर सके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज उनकी स्पेशल नीड्स क्या हैं और उन्हें कोशिश कर सके कि वो एक्सटेंड तक फुलफिल कर पाए उनको, फिर टीचर ट्रेनिंग करवा सके, टीचर्स एम्प्लॉय कर सके, रिसोर्स सेंटर्स स्टैब्लिश कर सके, स्कॉलरशिप दे सके एंड सच मेजर्स वो कर सके। 18 में एजुकेशन अडल्ट एजुकेशन की बात की गई है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज मेजर्स लेंगी प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए अडल्ट एजुकेशन। कमिंग टू चैप्टर 4 स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारे आते हैं सेक्शन 19 से लेकर 23 तक। सो बेसिकली इसमें इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से इसे पढ़ना है। तो इसमें 19 में बोल रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स बनाएगी, प्रोग्राम्स बनाएगी कि लोन प्रोवाइड कर सके कंसेशनल रेट्स पे, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके पर्सन का, स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आ सकती है। 20 नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। देन 21 इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 22 रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे, हर एस्टेब्लिशमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और जब भी जरूरत होगी इंफॉर्मेशन देगी वो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन 23 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 23 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर की। तो इसे कौन एस्टैब्लिश करेगा, एवरी गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर और फिर उसके बाद इन्फॉर्म करेगी चीफ कमिश्नर को या फिर स्टेट कमिश्नर को उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। राइट, ये जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा ये रजिस्टर मेंटेन करेगा कंप्लेंट का और फिर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया होगा और जो भी कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी होगी 2 हफ्ते के बीच में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी की जाएगी और अगर एग्रीड पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है जो भी एक्शन लिया गया है उसकी कंप्लेंट पे, तो वो कहाँ पे जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी जो उसको पे अप्रोच कर सकता है।
देन कमिंग टू चैप्टर फाइव, चैप्टर फाइव बेसिकली सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन की बात करता है। इसमें सबसे पहले है सोशल सिक्योरिटी, सेक्शन 24। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जितनी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो देखते हुए डेवलप करेगी, फॉर्मुलेट करेगी कुछ नेसेसरी स्कीम्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सेफगार्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनका एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। देन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर की पूरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी मेजर्स लेंगी कि हेल्थ केयर पहुंचा सकें, फ्री हेल्थ केयर दे सकें और बैरियर फ्री एक्सेस दे सकें सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। 26 अबाउट इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, रिहैबिलिटेशन के बारे में, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इनिशिएट करना, कल्चर और रिक्रिएशन को प्रमोट करना, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी प्रमोट करना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन नाउ चैप्टर सिक्स, चैप्टर सिक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन है इसमें 31 से लेके 37 तक। सो सबसे पहले 31, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसमें बेसिकली आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, 6 से लेके 18 इयर्स तक के स्टूडेंट्स को आपको फ्री एजुकेशन देनी है और वो कहीं पे भी जा सकता है स्कूल में, किसी भी स्कूल में जो भी उसके नियर बाई है ऑफ हिज चॉइस, राइट। और आप और 18 इयर्स तक बिल्कुल एक्सेस देना है फ्री एजुकेशन का, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज चीज को इंश्योर करेंगे। 32 इज रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें 5% रिजर्वेशन होगा, ठीक है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उन्हें एक अपर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 ईयर्स का, रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का मिलेगा। देन 33 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले आइडेंटिफाई करेगी पोस्ट, फिर सबसे पहले आइडेंटिफाई, राइट, फिर वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट, और फिर वो एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू लेगी हर 3 साल में, ओके। 34 इज अबाउट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कितना होगा, 4% रिजर्वेशन होगा, इसमें से 1% रिजर्वेशन होगा ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, और 1% रिजर्वेशन होगा ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। देन जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी टाइप ऑफ वर्क के रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं कि कहाँ पे मिलना चाहिए रिजर्वेशन या नहीं, वो इन कंसल्टेशन विद चीफ कमिश्नर और स्टेट कमिश्नर से की कंसल्ट करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें रूल बना सकती है। देन 35 है इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स इन प्राइवेट सेक्टर, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जितनी भी उनकी लिमिट है इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट में, एटलीस्ट 5% वर्क फोर्स रखेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। देन 36 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगी, एंड स्पेशल स्कीम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर 37, ये भी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और हमारी लोकल अथॉरिटीज देखेंगी कि 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, 5% रिजर्वेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड अलॉट करने में या कोई भी रेलेवेंट स्कीम जो आप बना रहे हैं, और 5% रिजर्वेशन सारे पॉवर्टी एलिविएशन या वेरियस डेवलपमेंट स्कीम जो कि विद प्रायोरिटी टू वुमेन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एंड 5% रिजर्वेशन किसी भी अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑन कंसेशनल रेट होना चाहिए। नाउ चैप्टर 7, चैप्टर 7 बेसिकली बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स, सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सेक्शन 38, ये सिंपल बोलता है कि जो भी ऐसा पर्सन है जो कंसिडर करता है खुद को कि उसे हाई सपोर्ट की नीड है, और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पे, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टू एन अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को अप्लाई करेंगे जो भी
नोटिफाई करी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने और रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें हाई सपोर्ट दिया जाए। जब भी ये एप्लीकेशन मिलेगी तो अथॉरिटी इसको रेफर कर देगी असेसमेंट बोर्ड को। असेसमेंट बोर्ड को वो रेफर कर देगी। असेसमेंट बोर्ड क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट बनाएगा और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन लेगी सपोर्ट देने का। नाउ कमिंग टू चैप्टर 8, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि ये जो सारी चीजें हैं ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ये सब प्रोवाइड कराए फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को। अवेयरनेस कैंपेन करेगी और इन कंसल्टेशन विद चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर के उस पे। फिर एक्सेसिबिलिटी देगी, रूल्स फ्रेम करेगी जिसमें एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। फिर एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, ऐसी फैसिलिटीज लेके आएगी कि इजीली एक्सेस कर पाए पर्संस विद डिसेबिलिटी ट्रांसपोर्ट को। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स और मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स। मतलब कोई भी स्टैब्लिशमेंट है वहां पे आपको पूरे जो भी नॉर्म्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो सब ये चेक कर वो करेगी। ये ड्यूटी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। देन नेक्स्ट 45, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमाइसेस एक्सेसिबल एंड एक्शन फॉर दैट पर्पस। तो ये बेसिकली 5 ईयर्स के अंदर अंदर जो भी एग्जिस्टिंग पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उन्हें एक्सेसिबल कराया जाएगा जैसे भी रूल्स फॉर्मुलेट हुए हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट विद इन 5 ईयर्स, राइट। तो ऐसी 46, टाइम लिमिट फॉर एक्सेसिबिलिटी बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ जो भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। ऐसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल ऑडिट के बारे में भी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगी। नाउ कमिंग टू basically the next chapter, chapter 9. Chapter 9, registration of institutions for persons with disability and grants to such institutions. So इसमें 49 जो हमारा section है वो basically बताता है कि competent जो हमारी अथॉरिटी होगी वो कौन होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट हमें बताएगी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सी होगी। फिर रजिस्ट्रेशन, कोई भी पर्सन कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं इस्टेब्लिश करेगा फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अनलेस एंड अंटिल उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट। देन 51, एप्लीकेशन एंड ग्रांट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप एप्लीकेशन डालेंगे फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप वो डालेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो जैसे ही ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन मिलेगी वो अगर एक्सेप्ट करती है आपकी एप्लीकेशन तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगी। कितने दिनों में? विद इन 90 डेज। और अगर आपने सब चीजें नहीं कर रखी है उसमें एज पर द रूल्स तो वो आपकी रिफ्यूज भी कर सकती है एप्लीकेशन। और जब भी आपको रिन्यू करवाना है एप्लीकेशन, जब भी आपको रिन्यू करवाना है अपना ये सर्टिफिकेट तो उसके लिए आपको 60 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 52 में है, रेवोकेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी थी एप्लीकेशन में वो फॉल्स पाई गई या फिर आपने ब्रीच ऑफ रूल्स करे। 53, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से कि उसे नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या उसका रिवोक हो गया है सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, तो जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट जिस भी टाइम लिमिट आपको प्रेस्क्राइब करेगी उसमें आप अपील कर सकते हैं। और ये एक्ट अप्लाई नहीं होता टू द इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश्ड हैं बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। 55 इज अबाउट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी।
देन चैप्टर 10, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन लीव। सो चैप्टर 11 में सबसे पहले सेक्शन 60, सेक्शन 60 बात करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, जो कि फॉर्म होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर जो मेंबर्स दे रखे हैं जो बोर्ड में कंसिस्ट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो मिनिस्टर इन चार्ज होंगे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इसके चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज डीलिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री इन सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर तीन मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, जिसमें से दो इलेक्ट होंगे बाई लोक दो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लोकसभा के और एक होंगे राज्यसभा के। देन मिनिस्टर इन चार्ज होंगे डिसेबिलिटी अफेयर के ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज। देन सेक्रेटरीज होंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी इन चार्ज है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर, सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड ऐसे ही रिलेटेड कुछ जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, जो कि जिसमें भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में कुछ भी चीजें आती हैं वो सब। देन सेक्रेटरी होंगे नीति आयोग के, चेयरपर्सन होंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज मेंबर। ऐसे ही नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन सब के कुछ और भी बहुत सारे वो दे रखे हैं, उनके मेंबर्स होंगे। बट इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि मेंबर्स कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले 5 मेंबर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड में। देन 10 मेंबर्स होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एनजीओ को, और इनमें से भी 5 आपकी वुमेन होंगी, एक एससी और एक एसटी का मेंबर। देन 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे नेशनल लेवल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? बेसिकली 3 इयर्स तक रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। डिस्क्वालिफिकेशंस, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट एंड कन्विक्ट हो जाते हैं किसी ऑफेंस के लिए या मोरल टर्पिट्यूड के लिए, देन अब्यूज कर देते हैं अपनी पोजिशन को, ये सारी चीजें। फिर मीटिंग्स आप याद कर लीजिए, एवरी 6 मंथ्स मीटिंग होगी। देन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, इसमें भी ऐसे ही कुछ मेंबर्स होंगे, इसे एस्टैब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें मेंबर्स होंगे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट, जो कि डील कर रहे हैं डिसेबिलिटी मैटर्स एज चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट डीलिंग विद डिसेबिलिटी मैटर्स। ऐसी सेक्रेटरी होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज होंगे कुछ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि डिसेबिलिटी अफेयर्स, स्कूल एजुकेशन, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन 3 मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, जहाँ पर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है वहाँ पे 2 मेंबर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली और 1 फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे 3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होंगे भाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट, वो हैं 5 मेंबर्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स होंगे, देन 5 हैं जो नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट बाय रोटेशन टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रिक्ट्स, देन 10 पर्सन हैं एनजीओ के, जिसमें वही 5 वुमेन हैं, 1 एससी एंड 1 एसटी। देन 3 होंगे स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। देन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन 67 में, वो भी 3 इयर्स है। डिस्क्वालिफिकेशंस भी सेम है, मीटिंग्स भी इनकी एवरी 6 मंथ्स होंगी। देन कमिंग टू 72 बेसिकली बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी कौन बनाएगा, तो ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। कोई भी वैकेंसी की वजह से प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट नहीं होंगी। चैप्टर 12 जो कि है 74 सेक्शन से लेके स्टार्ट है, इसके अंदर हमें
सिर्फ पढ़ना है 74. 74 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर्स. तो इनको अपॉइंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इनको, और कमिश्नर्स अपॉइंट हो सकते हैं दो. ठीक है, एक चीफ कमिश्नर होगा, एक दो सेंट्रल कमिश्नर होंगे, दो असिस्ट करने के लिए चीफ कमिश्नर्स होंगे. और ये वही पर्सन होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी इन मैटर्स टू लीडिंग टू रिहैबिलिटेशन, राइट. और इनको असिस्ट, चीफ कमिश्नर को असिस्ट करेगी एक एडवाइजरी कमिटी जिसमें 11 मेंबर्स होंगे, राइट. देन 78 देख लेते हैं, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स बाय चीफ कमिश्नर. तो जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पार्लियामेंट के सामने उन्हें ले डाउन करेगी. 79 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर्स इन स्टेट. इसमें स्टेट गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करेगी. देन इसमें भी सेम है कि उनको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड. देन चैप्टर 13, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे. 84 बेसिकली स्पेशल कोर्ट की बात करता है. इसमें क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्करेंस में ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ एचसी वो कोर्ट ऑफ सेशन को डिजिग्नेट कर सकते हैं टू बी स्पेशल कोर्ट. देन कमिंग टू सेक्शन 85, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसमें क्या है, जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई कर सकती है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर अपॉइंट कर सकती है एक एडवोकेट को जिसकी प्रैक्टिस 7 ईयर्स की हो एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. देन चैप्टर 14 बेसिकली नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करता है. एंड इसके अकाउंट्स एंड ऑडिट ही जान लेते हैं बस हम. इसके अकाउंट्स एंड ऑडिट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी प्रॉपर अकाउंट्स, और जो इसका ऑडिट होगा वो करेगा कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. चैप्टर 15 ऐसी स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता है, सेक्शन 88. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर 16, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. तो 89 में है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट्स और रूल्स और रेगुलेशंस मेड. तो अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस करता है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है इस एक्ट को, तो उसका फाइन है ₹10,000. अगर कोई सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली कर रहा है तो उसका फाइन है ₹50,000 से लेके 5 लाख तक, राइट. देन 91, फ्रॉडुलेंटली अवेल कर रहे हो तुम कोई भी बेनिफिट जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है, तो उसका फाइन है 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 लाख का फाइन लग सकता है या फिर बोथ. सेक्शन 92, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज. इसके अंदर फाइन है 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक का और प्लस फाइन, सॉरी 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है प्लस फाइन. देन 93, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन. तो इसके लिए ₹25,000 का फाइन है, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं ये चीजें तो ₹1,000 हर दिन आपके लिए लग सकते हैं. 95, ऑल्टरनेट पनिशमेंट्स. अगर किसी और लॉ में ज्यादा ग्रेटर डिग्री की पनिशमेंट है तो आप वही पनिशमेंट देंगे जो ग्रेटर है इन डिग्री, वो पनिशमेंट दी जाएगी. देन चैप्टर 17, इसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि 100 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, 101 में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है. नाउ कमिंग टू द केसेस, विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021 का केस है ये. इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आप डिनायल कर रहे हैं ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन तो वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और ये प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर में अप्लाई होता है. देन रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये बात करते कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें डायरेक्ट करा कि वो नॉर्म्स नोटिफाई करें और स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करें कि पीपल टीचर रेशियो फॉर स्पेशल स्कूल्स, और ये भी नोटिफाई करें सेपरेट नॉर्म्स फॉर स्पेशल टीचर्स हु अलोन कैन इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन जनरल स्कूल्स। देन तो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है सबसे ज्यादा कि कहाँ पे टाइम लिमिट्स दे रखी हैं, कितना रिजर्वेशन, एजुकेशन वाले पॉइंट्स और ऑफेंसेस वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।